सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल योगी चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अगर आप फोटोशॉप यूज कर रहे हैं थंबनेल बनाने के लिए या कुछ भी ऐसा काम करने के लिए जहां पर आपको टेक्स्ट लिखने पड़ते हैं हिंदी में, अब प्रॉब्लम यह आती है कि भाई फोटोशॉप में जब भी हम हिंदी लिखते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि होता यह है कि जो हमारा गूगल इनपुट टूल्स होता है हम उसी से ट्रांसलेट करके हिंदी लिखते हैं और हम लिखते कुछ है और छप कुछ और जाता है। अब इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम बहुत सारी साइट की जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशनों का इस्तेमाल करते हैं, बट ऐसा नहीं है। फोटोशॉप में खुद में एक छोटी सी सेटिंग आपको करनी है, अगर वो सेटिंग आप करेंगे एक बार तो आप फोटोशॉप में जब भी हिंदी लिखेंगे एकदम करेक्ट हिंदी टाइप कर पाएंगे। अब वो छोटी सी सेटिंग क्या है उसको समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों अगर आप भी फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं, फोटोशॉप CS6, तो यहाँ पर बात करते हैं हिंदी टाइपिंग की, क्योंकि हमें क्या होता है इंडिया में हिंदी टाइपिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब हम हिंदी टाइपिंग जानते नहीं है तो हम ये वाला जो है सॉफ्टवेयर गूगल इनपुट टूल्स ये यूज़ करते हैं और इसी से ही ज़्यादातर हिंदी लिखते हैं, लेकिन फोटोशॉप में प्रॉब्लम आती है। चलिए मैं देखता हूँ, देखिए आपको दिखा देता हूँ। मैंने ओपन किया और कोई भी हम बैकग्राउंड ले लेते हैं, पहले चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई फोटोशॉप में कुछ भी लिख के देखते हैं और देखिए गलती किस तरह से होती है और उसका क्या सोल्यूशन है। तो मैंने यहाँ पे क्या है इंग्लिश से पहले हिंदी सेलेक्ट कर लूँगा, हिंदी यहाँ सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया, तो ये इसकी सही स्पेलिंग है। तो ये देखिए मैंने फोटोशॉप सेलेक्ट किया, फोटोशॉप में बिना, अभी बिना है ना, बिना अब मैंने लिखा, देखिए इस तरह का आ जाएगा। अब मैं लिखूंगा बिना कोई गलती किए हिंदी कैसे टाइप करें, कोई गलती किए, गलती यह सही आ गया, बिना गलताया किए। अब किए मैंने मान लो ये सेलेक्ट किया, तो ये देखिए किए। तो इस तरह की गलती जो है ना, अब जैसे हिंदी लिखूंगा तो हिंदी, देखो हिंदी भी गलत आ गया। तो इस तरह से क्या होता है इसमें ये गलतियां आ जाती है। तो इसको क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन क्या है, क्या करें हम इसके लिए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अब देखिए बिना कोई गलती किए हिंदी नहीं लिख पाए ना, तो देखिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ जो आपको मिल जाएगा और वो फोटोशॉप में मिल जाएगा और उसके बाद आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे फोटोशॉप के एडिट में जाएंगे, और एडिट को अभी काम नहीं कर रहा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फोटोशॉप को बंद कर देंगे, ठीक है। फोटोशॉप को हमने बंद कर दिया, चलिए कैंसिल करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं इसको, ठीक है। और हम वापस से फोटोशॉप ऑन करते हैं, फोटोशॉप CX6 ऑन करते हैं, और मैं आपको बताऊँगा कि इसमें हमें छोटी सी सेटिंग करनी है जो लाइफ में एक बार करनी है अपने PC पर, और उसके बाद आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब ये इस तरह से ओपन हो जाए तो हमें क्या जाना है, एडिट में जाना है, एडिट का ऑप्शन, इसमें नीचे नीचे चले जाना है, नीचे सबसे नीचे एक प्रेफरेंस का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ पे मिलेगा आपको टाइप, और टाइप पे आप क्लिक करेंगे। तो होता क्या है कि यहाँ पे एक ऑप्शन आता है चूज टेक्स्ट इंजन ऑप्शन, ओके। ये जब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे ईस्ट एशियन ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है और ईस्ट एशियन सेलेक्ट होता है, हमको यहाँ पे मिडल ईस्टर्न पे क्लिक करना है और क्लिक करके ओके कर देना है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चेंज विल टेक इफेक्ट द नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट फोटोशॉप, यानी कि हमने ओके कर दिया लेकिन अब ये काम नहीं करेगा, जब आप अगली बार कभी भी फोटोशॉप करोगे इस्तेमाल तब ये काम करेगा। तो चलिए अब दोबारा से बंद कर देते हैं और फोटोशॉप को हम दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। अब ये सेटिंग हो गई है, अब आप कुछ भी लिखोगे हिंदी में एकदम एक्यूरेट आएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको डेमो दे देता हूँ, दोबारा एक बार कर लेते हैं स्टार्ट फोटोशॉप CX6 को, और चलिए वापस से फाइल लेते हैं, कोई ओपन करते हैं, ठीक है, और ये ले लेते हैं। अब मैंने लिखा था कि फोटोशॉप में बिना कोई गलती किए, इतना लिखा था, अब देखिए कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। मैंने लिखा फोटोशॉप, ओके, फोटोशॉप में बिना कोई गलती किए, ठीक है, हिंदी
में कैसे लिखें। तो आप देखिए कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आई। तो बस अगर आपको फोटोशॉप में प्रॉब्लम आती है हिंदी लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरह का यूज़ कर लीजिए। ये वाला जो मैंने आपको बताया है सेटिंग, ये वाला जो सेटिंग है उसको आप यूज़ कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम आपको देखिए स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी, कोई भी मात्रा में गलती नहीं होगी। और बस आपने एक बार सेटिंग कर लिया, अब आप फोटोशॉप को जब भी कभी भी ओपन करेंगे आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यार आप जितने ज्यादा लाइक करते हैं उतना ही हमको मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियो बनाने का। और वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें ताकि सबको ये नॉलेज प्राप्त होती रहे। और यार चैनल पर पहली बार आए और आपको लगता है कि यहाँ पर यूजफुल जानकारी मिलती है जो आपके जीवन में काफी काम आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जो है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आप उसको नहीं दबाएंगे तो यूट्यूब पे हो जाएगा पेट में दर्द और ये आपको कभी नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा नई नई वीडियो का। अब यार ऐसा तो है नहीं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो आप मेरी नई नई वीडियो तो देखना चाहते ही हैं, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, या मैं कम्युनिटी टैब में कोई भी जानकारी भरी पोस्ट डालूं तो आपको बराबर मिलती रहे। मैं योगेंद्र मिलता हूं आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।